हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रबी टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, बट्टा वाला सवाल का। जब भी आपको ऐसे सिंपल में दिया रहता है तो आप तो निकाल लीजिएगा कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, लेकिन जब भी आपको बट्टा में दिया हुआ रहे तो उसका एचसीएफ या तो एलसीएम कैसे निकालिएगा। देखिए, जब भी आपको बट्टा वाला सवाल मिले और आपको जो निकालने बोले, यहाँ क्या बोल रहा है, हम लोग को दिया हुआ 4/5, 6/8, 2/5 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो जब भी आपको बट्टा वाला सवाल दिया रहे, अब जो निकालने बोले, हम लोग इस सवाल में क्या निकालने बोल रहा है, एचसीएफ निकालने बोल रहा है। तो जब एचसीएफ निकालने बोल रहा है तो ऊपर वाले सब का क्या निकालिएगा आप, एचसीएफ। समझ में आ रहा है आपको? आपको जो निकालने बोलेगा ऊपर वाला का आप वही निकालिएगा। हम लोग को सवाल में एचसीएफ निकालने बोल रहा है, इसलिए हम लोग ऊपर वाला सबका एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला सबका क्या निकालेंगे। देखिए, दो ही चीज़ तो होता है, एचसीएफ एक एलसीएम। तो बट्टा वाला सवाल है तो जो बोला ऊपर वाला सबका वही निकाल देंगे, नीचे वाला सबका उसके उल्टा। जैसे ऊपर वाला सबका एचसीएफ निकला तो नीचे वाला सबका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से, आपको सवाल में एचसीएफ निकालने बोल रहा है तो ऊपर वाले सबका वही निकालिएगा एचसीएफ, जो बोलेगा वही निकालिएगा। अब बच जाएगा दूसरा एलसीएम, तो नीचे वाले सबका एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो 4, 6 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्याओं को काट दे। हम लिखते हैं 4, 6 और 2 का आपको एचसीएफ बताना, यही ना, 4, 6, 2 का एचसीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्याओं को काट दे दी, आप एचसीएफ 4 लेते हैं। तो 4 तो 4 को काटता, लेकिन 4 का पहाड़ा कहीं भी 6 और कहीं भी 2 आता है, नहीं होता है, इसलिए 4 एचसीएफ नहीं होगा। 6 एचसीएफ लीजिएगा तो एचसीएफ 6 तो 6 को काटेगा, लेकिन 6 का पहाड़ा कहीं भी 4 और 2 आता है, नहीं आता है। लेकिन इसका एचसीएफ आप 2 लीजिएगा तो 2 2 को भी काटेगा, 2 4 को भी काटेगा, 2 6 को भी काटेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्या को काट दे। तो 4 6 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 6 का 2 का एचसीएफ हो जाएगा 2। अब नीचे वाला सबका एलसीएम निकालने बोले हैं, 5, 8 और 5 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिया गया सभी संख्या से कट जाए। 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही हो जाएगा, और 8 और 5 नज़दीक में वो संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या जिसको 8 भी काटता है और 5 भी काटता हो, 40। वह छोटी संख्या क्या है जो 8 और 5 दोनों काटता है, जिसको 40, 5 8 40, 8 5 40। तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, 2/40, इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा, 1/20। 1/20 सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। जितना भी देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा है क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/20। ठीक है, इस सवाल में देखिए 2/3, 4/9, 5/6 का लघु उत्तर समवर्त। लघु उत्तर समवर्त क्या मतलब क्या हुआ, एलसीएम। तो हम आपको क्या बोले, जब भी आपको बट्टा वाला सवाल दे और एचसीएफ एलसीएम निकालने बोलेगा तो आपको जो भी निकालने बोले तो आप लोग ऊपर वाला का वही निकालिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एलसीएम निकालने बोल रहा है तो ऊपर वाला सबका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे जो बच जाता है वो उसका उल्टा उसका निकालते हैं। अब यहाँ सवाल में एलसीएम निकालने बोला तो ऊपर वाला सबका एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला सबका क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ निकालने बोल रहा था, इसलिए ऊपर वाला सबका एचसीएफ निकाले, नीचे वाला सबका एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम निकालने बोल रहा है तो ऊपर वाला सबका एलसीएम, नीचे वाला सबका एचसीएफ। अब देखिए 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, हम बोले एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटी 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 संख्या जो दिया गया सभी संख्या से कट जाए। तो देखिए, तो 2 और 4 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा, और 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 5 वो नज़दीक का संख्या बताइए जो 2, 4 और 5 दोनों को काटता हो, उसको 20। 4, 5, 20, 5, 6, 20। और नीचे वाला सबका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिया गया सभी संख्या को काट दे। देखिए 3 हो जाएगा, 3 को भी काटेगा, 3 6 को भी काटेगा, 3 9 को भी काटेगा। नीचे वाला सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग को, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी एचसीएफ एलसीएफ निकालने बोले या बट्टा वाला सवाल रहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।